तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल के अंदर इसी तरह से पेंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है और आपका जो इंस्टाग्राम लाइट एप्लीकेशन है वो अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना जो इंस्टाग्राम लाइट का मतलब पेंडिंग का प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे 2-3 सॉल्यूशन या 2-3 स्टेप, आप जो कुछ भी कंसीडर करना है कर लो, लेकिन मैं आपको 2-3 सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ जिनके चलते आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपका जो प्ले स्टोर में कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या अपडेट करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आपको अपने मोबाइल के अंदर थोड़ा बहुत स्टोरेज वहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड या अपडेट जो कुछ भी होना है हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइल मैनेजर के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मोबाइल के अंदर सफिशियंट स्टोरेज अवेलेबल है। तो आप अपने फाइल मैनेजर के अंदर देख लेना, अगर नहीं है तो आपको थोड़े बहुत चीज़ें डिलीट कर देना, यही सिंपली आपको एक चीज़ करनी है जो कि हो सकता है आपका एप्लीकेशन अपडेट होने में या डाउनलोड देने में यही दिक्कत कर रहे होगे, तो ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद में मैं आपको बाकी की चीज़ें बता देता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमें करना क्या है कि प्ले स्टोर को हमें ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर जो प्रोफाइल वाला आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में सेकंड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, नेटवर्क एंड प्रेफरेंस, मतलब नेटवर्क प्रेफरेंसेस, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर हमें 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ओवर एनी नेटवर्क कर देना है और डन के ऊपर क्लिक कर देना है, और सिंपली दोस्तों ऑटो अपडेट ऐप्स का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फिर से ओवर एनी नेटवर्क कर देना और डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी जो आपका एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना या अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे और एक सेटिंग कर लेनी जिसके चलते आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि सेटिंग्स के अंदर चले जाना। सेटिंग्स के अंदर चले जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, मतलब उसके अंदर हमारे पूरे एप्लीकेशन की लिस्ट खुल जाएगी। तो वहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे ऐप लिस्ट के अंदर चला जाऊँगा और यहाँ पे दोस्तों सारे एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ढूंढ लेना है गूगल प्ले स्टोर। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता, मतलब नीचे जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों आप देख ही सकते हो गूगल प्ले स्टोर मुझे मिल चुका है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज यूजेस का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अभी 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली बैक कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है और सिंपली चले जाना है हमारे प्ले स्टोर के अंदर। और दोस्तों हम यहाँ पे जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है काफ़ी फास्ट डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि 2 MB का एप्लीकेशन है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख ही सकते 96% इंस्टॉलिंग। अबे यार, इतना फास्ट तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छे से बढ़ जाएंगे। तो आप दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।